नमस्कार भाई, सबुदिन पर मुझे आज मैं नहीं आसी 5 मार्च 2024 करंट अफेयर। ओके तो चलो डिस्कस करिया। फास्ट है नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज फास्ट दी छाप छार कूट फेस्टिवल। ओके छाप छार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस मिजोरम। छाप छार कूट द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट विथ फुल ट्रेडिशनल फ्लेवर एंड फेस्टिवल्स। ओके तो छाप छार फेस्टिवल छाप छार कूट फेस्टिवल जोटा मन रखिए यहाँ कौ स्टेट पालन कराए मिजोराम पालन कराए। ओके तो यहाँ फुल्ली ट्रेडिशनल एवं कल्चरल ये को लेकिन होता है तो से मन रखिए कौ स्टेट आउ फेस्टिवल। ओके तो रिसेंट सेमती फेस्टिवल जाए तावी फेस्टिवल जम्मू काश्मीर पालन हुए। इंटरनेशनल पोपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा रे, एथनिक ममानी फेस्टिवल लद्दाख रे, गोले मेला फेस्टिवल जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर रे, कला उत्सव उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तरफ यहाँ होता गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल रे। तो रिसेंट सेमती बहुत सारा फेस्टिवल एवं जोड़ा कल्चरल ये को जोड़ी होती लिस्ट आनी। नेक्स्ट जी राजनाथ सिंह लॉन्चेस अदिति स्कीम टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाज लॉन्च्ड एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। अंडर द स्कीम स्टार्टअप्स आर एलिजिबल टू रिसीव ग्रांट इन एड अप टू ₹25 करोड़ फॉर देयर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एंडेवर इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ओके द स्कीम विल नर्चर the innovation of youth and help the country leap forward in the field of technology. तो रक्षा मंत्री जो अच्छा आम राजनाथ सिंह सी गोटे स्कीम आनी दिखाई अदिति स्कीम बोली फुल फॉर्म मन रखिए। फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। ओके यार फुल फॉर्म है यहाँ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। ये स्कीमटा से आनी स्कीम्रे कौन ना जो मैंने भी से बेसिकली यूथ मानक भितर जो डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप गुड़ी को डेवलप करने प्रमोट करने ये स्कीमटा आनी जे भी डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप जे भी करने चाहते से ग्रांट इन एड तो, मान हिसाब से सी रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर 25 करोड़। ओके देवे बोली ए स्कीम अंडर जे भी स्टार्टअप कर तार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा दिज्व बुझे इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी मेन तर ये मेन ये स्कीमटार मूल लक्ष्य है यूथ मानक भितर डिफेंस को लेकिन स्टार्टअपटा को आहरी डेवलपमेंट करवा मेन लक्ष्य। नेक्स्ट जी ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट्स कंट्रीज फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट हरियाणा। ओके यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडियाज फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार। ओके तो जी कि आमर अच्छा यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से वर्चुअली इनॉग्रेट कर इंडिया प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन कौटी इंडिया प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौटी स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड जोटा कि हिसार अच्छे हरियाणार हिसार स्टेट बोल गोटे हिसार जगार। ओके जो जिंदल स्टील प्लांट अच्छे से इंडिया प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेट हबार सेटा इनॉग्रेट करते किए इनॉग्रेट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया मन रखिए जे कि आम यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट कर तो यहाँ थी या उपरे वर्चुअली यहाँ कर। ओके नेक्स्ट जी विवेक भरद्वाज इनॉग्रेट्स द सेकेंड पेशा रीजनल कॉन्फ्रेंस एट रांची। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायतराज श्री विवेक भरद्वाज हाज इनॉग्रेटेड सेकेंड 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेशा एट रांची झारखंड। तो जे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायतराज अच्छा श्री विवेक राज श्री विवेक भरद्वाज। ओके से दुईदिनिया रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग पेशा। ओके जो पेशा बोली गोटे कॉन्फ्रेंस ओके जोटा कि रांची अनुषित हो तो दुईदिनिया कॉन्फ्रेंस करे कर मन रखिए जे कि आमर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायतराज किए श्री विवेक भरद्वाज। ओके पंचायतराज मिनिस्टर जे श्री विवेक भरद्वाज
ओके से सेक्रेटरी अच्छा तो सी रांची रे पेशा कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट कर दुई दिनिया ओके मन रखिए यहाँ तो नेक्स्ट जीवा हमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज फास्ट अच्छी कटक महिंद्रा बैंक इंट्रोड्यूसेस स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन ओके कटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हाज लॉन्च्ड स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन फॉर कस्टमर्स ओके तो कस्टमर मानक कटक महिंद्रा बैंक कौन लॉन्च कर मन रखिए स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन ओके यहाँ को बैंक लॉन्च कर कटक महिंद्रा बैंक रिसेंट सेमती फैसिलिटीज कौन कौन लॉन्च होती बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर तरफ से आनी लिस्ट है तो पढ़ीदेगा मोबिक्विक लॉन्च न्यू फीचर ऑन प्लेटफॉर्म पॉकेट यूपीआई मोबिक्विक लॉन्च कर बंधन बैंक ऑथराइज्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट थ्रू द गवर्नमेंट रिसीप्ट पोर्टल सिस्टम ओके एसबीआई लॉन्चेस डिजिटल एनरोलमेंट फॉर पीएमजेजेबीवाई एंड पीएमएसबीआई स्कीम्स एलआईसी लॉन्चेस अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान फॉर चिल्ड्रेन कर्नाटक बैंक लॉन्च सेटेनरी कैंपेन भारत का कर्नाटक बैंक ओके एलआईसी लॉन्च न्यू प्लान पॉलिसी इंडेक्स प्लस ये सब रिसेंट बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर बहुत सारा स्कीम एम लॉन्च होगा बहुत सारा फीचर एम लॉन्च होगा कि ये मुझे रिमाइंड करदे नहीं आसचे नेक्स्ट जी आरबीआई अप्रूव्स एयू फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्जर ओके ओके तो यहाँ पढ़ा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाज अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ओके तो रिसेंटली कौन है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव कर दे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ओके एवं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये दुईट बैंक मर्ज मर्ज मर्जिंग करवा को अमलगेशन जो होगापाई सीए से आप्रूव कर देते आरबीआई तो यहाँ थी या उपरे द इफेक्टिव डेट ऑफ अमल तो से दुईट बैंक केबे मर्ज हे मन रखिए एप्रिल 2024 में से दुईट बैंक मिसीजी गोटे बैंक होल द ब्रांचेस ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जितेटा भी ब्रांच अच्छी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से फंक्शन कर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ना जोटा कि एप्रिल 1 पर हम तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड तो फाउंडेड होता 1996 मन रखिए फाउंडर है संजय अग्रवाल हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान एमडी एंड सीईओ अच्छा एयू समय संजय अग्रवाल टैग लाइन मन रखिए चलो आगे बढ़े ओके तो यहाँ था या उपरे नेक्स्ट जी मोडी मोडीज रेजेश इंडिया 2024 जीडीपी फोरकास्ट टू 6.8% तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मोडीज हाज रेज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2024 टू 6.8% फ्रॉम द 6.1% तो जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी अच्छी जोटा कि मोडीज रेटिंग एजेंसी बोली कहुच्छे से पूर्व जो इंडिया जीडीपी ग्रोथ को 6.1% जो कही फोरकास्ट करते से एवं रेज कर जोटा कि 6.8% बोली प्रोजेक्ट से करते भाव में कतोटी सेमती इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया जीडीपी को से प्रोजेक्ट करते तार लिस्ट भी आनी मॉर्गन स्टेनली फाइनेंशियल 24 6.9% करते फाइनेंशियल 25 6.5% आईएमएफ फाइनेंशियल 24 6.7% 6.5% ये सब लिस्ट आप चाहिए पढ़ी पारे ओके नेक्स्ट जी अपॉइंटमेंट न्यूज को तो बीपीसीएल टीम्स अप विथ नीरज चोपड़ा आज ब्रांड एम्बेसडर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल हाज इंट्रोड्यूस्ड ओलंपिक एंड वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा आज द ब्रांड एम्बेसडर ओके तो बीपीसीएल रिसेंटली नीरज चोपड़ा को ओके ब्रांड एम्बेसडर हिसाब से अपॉइंट करते तो नीरज चोपड़ा विल सर्व आज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बीपीसीएल पेट्रोलियम सॉरी प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट स्पीड तो बीपीसीएल जो हाई प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट अच्छे माने हम कही पार हाई ऑक्टेन लेवल वाला पेट्रोल जोड़ा अच्छे तो ताकु समान स्पीड बोली नाम दे नामकरण कर स्पीड रे से स्पीड पाया हाई पेट्रोल वेरिएंट पाई नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर हिसाब से चूज कर अपॉइंट कर तो रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ चेन्नई सुपर किंग टीम आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट रही ऋतिक रोशन थर्ड रूपे प्राइम भलीबल लीग रे केट मून 19th एडिशन ऑफ टाटा मुंबई माराथन आम्बेसडर ऋषभ पंत इंडेक्स अल्ट्रा जेल प्लस रो दीपिका पादुकोण बिस्लेरी रो ये हेचंदे नेक्स्ट जीवा अवार्ड सेक्शन को अवार्ड सेक्शन रे
जोया अख्तर एंड आसमा खान ऑनर्ड विद इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड. ओके, रिनाउंड फिल्म मेकर जोया अख्तर एंड ब्रिटिश इंडियन शेफ आसमा खान वेयर ऑनर्ड एट एनुअल इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन लंडन. ओके, तो रिनाउंड फिल्म मेकर जी अच्छा आमर जोया अख्तर. ओके, एवं ब्रिटिश इंडियन शेफ रोसेया कहींपर आसमा खान ये दुईज को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड मिली कौटी ना लंडन में मिली. ओके, मन रखिए तो रिसेंट अवार्ड से क्या क्या मिली तार लिस्ट आने से लक्ष्य करदे. महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिली डॉक्टर प्रदीप महाजन को. ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम किंग्स चार्ल्स थ्री सुनील भारती मित्तल को मिली. फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ओके सिविलर डे ला लेजियन डा ऑनर मिली शशि थरूर को. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड आरिस लिमिटेड को. 50th ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगतगुरु रामभद्राचार्य को. बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड आईबीए साउथ इंडियन बैंक को. तो यहाँ था नेक्स्ट जी डिफेन्स न्यूज को. ईरान लॉन्चेस पार्स वन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रशिया. तो रशिया हैज लॉन्च्ड एन ईरानियन मेड रिसेंट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अमिड राइजिंग टेंशन विद द वेस्ट. तो रशिया कौन करछि ईरान रो गोटे सैटेलाइट को ईरान द्वारा बना जाइथवा गोटे सैटेलाइट को लॉन्च करछि. तो बेसिकली ईरान चाहूतला कि एटा वेस्ट माने यूरोप कंट्री हो बा अमेरिका रे हो तो सेटा को लॉन्च करियो बोली. जेहेतु टेंशन ईरान सहित समानक सहित भी अछि तो से रशिया रे एटा लॉन्च करछि. ओके, द पार्स वन रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय अ रशियन सोयुज रॉकेट फ्रॉम द बोस्टोनी कॉस्मोड्रोम एंड विल स्कैन ईरान्स टोपोग्राफी फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ 310 माइल्स. ओके ओके, 500 किलोमीटर पाइपर. द लॉन्च ऑफ पार्स वन फॉलोज द अगस्त 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ ईरान्स कैम सैटेलाइट ऑल्सो फैसिलिटेड बाय रशिया. The pattern of collaboration indicates a strengthening of scientific and technological ties between Iran and Russia amidst broader geopolitical tensions. तो कौन है जी ना ईरान ये जो सैटेलाइट एटा तारो निज कंट्री रे सैटेलाइट इमेज कोई परबा फोटोग्राफी ईरान रो टोपोग्राफी उपरे नॉलेज आनिबा पई ये सैटेलाइट लॉन्च कराय छी. तो एटा से लॉन्च कर छी का सहाय रे रशिया रो सहाय रे. तो जेहेतु वेस्ट सहित तांकर रिलेशनशिप एत ना पॉजिटिव ना तो से रूसिया रे लॉन्च कर जहाँफल कि ईरान और रूसिया मध्य. ओके, ईरान और रूसिया मध्य रिलेशनशिप कोलाबरेशन बढ़ी. ओके, एवं वेस्ट मान सहित कोलाबरेशन रिलेशनशिप आम कहीपर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाटा थी तापर. देन नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स उपरको प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 पुनेरी पल्टन क्लिंचेंस मेडन टाइटल. तो पुनेरी पल्टन ओन द प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम आज दे डिफीटेड द हरियाणा स्टीलर्स इन द फाइनल एट द जीएमसी बालायोगी स्टेडियम इन हैदराबाद. ओके, तो प्रो कबड्डी लीग जो सीजन 10 रे किए विन करछन्ते पुनेरी पल्टन जीति का हरे कि हरियाणा स्टीलर्स को हरे कि पुनेरी पल्टन से बाजी मारि नहीं प्रो कबड्डी लीग रे. एवं एठी जो प्रो कबड्डी लीगटा जो फाइनाल होता से कौटी होता मन रखिए जीएमसी बालायोगी स्टेडियम हैदराबाद रे होता. ओके, एटा थिला अदर अवार्ड विनर कौन कौन हमती ना चैंपियंस होती पुनेरी पल्टन तो रनर्स अफ जानले हरियाणा स्टीलर्स. बेस्ट रेडर आशु मल्लिक. ओके, टॉप डिफेंडर मोहम्मद रेजा सादोलुई. ओके, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर योगेश दहिया. मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर असलम इनामदार. ओके, तो ये थी यहाँ पर बी साई प्रणीत अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन. इंडियन शटलर बी साई प्रणीत हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन. ओके, तो ये इंटरनेशनल बैडमिंटन रु ओके रिटायरमेंट अनाउंस करछन्ते किए मन रखना ना बी साई प्रणीत. ओके, तो यहाँ थी तो रिसेंटली जमी रिटायर्ड प्लेयर दीप ग्रेस एका इंटरनेशनल हॉकी रिटायर नहीं सन मास प्रोफेशनल क्रिकेट रु. हेनरिक क्लाशन टेस्ट क्रिकेट साउथ आफ्रिका रु से खेलती. डेविड वार्नर इंटरनेशनल ओडीआई टेस्ट रु. आसाद सफिक
ପାକିସ୍ତାନର ଅଲ୍ ଫର୍ମ କ୍ରିକେଟରୁ, ଗୁରକିରତ ସିଂ ମନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟରୁ। ତ ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଲିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଫିଫ୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଫିଫ୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ପାଳିଥାଉ ଡିସୋସିଏଟିଭ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡିଜର୍ଡର ଆୱାରନେସ୍ ଡେ। ଓକେ, ଡିସୋସିଏଟିଭ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡିଜର୍ଡର ଆୱାରନେସ୍ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫିଫ୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ ଡେକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫିଫ୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଫର୍ ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ପ୍ରଲିଫରେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଫର୍ ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ପ୍ରଲିଫରେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ଫିଫ୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଅବିଟୁଆରୀ, ଅବିଟୁଆରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡି ଅରୁଣ ଶର୍ମା ପାସ୍ ହେବେ। ତ ରିନାଉଣ୍ଡ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ଶର୍ମା ପାସ୍ଡ ଆୱେ ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 90। ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡି ଯିଏକି ଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର। ଓକେ, ଅରୁଣ କୁମାର ଶର୍ମା ସେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ଓକେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କେବେ ପାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସେ ପାଇଥିଲେ 2017। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଫିଫ୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେତେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱାଚ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ରଖୁଛି।